यस वेलकम टू मैथ्स मैजिक एकेडमी। फ्रेंड्स असी करते पे हाँ तैयारी पीएस टेट मैथ्स पेपर वन। असी मैथ्स दी क्लासेस स्टार्ट कीती हुई हैं, 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अज असी अगली वीडियो जिहड़ी आ डिवीजन ए वाली असी प्रिपेयर करन जा रहे हैं, ठीक है जी। तुहानू जिहड़ी अज वीडियो मिलेगी डिवीजन दी होएगी, फर्स्ट 3 वीडियोस अपलोडेड है। अगर कोई फ्रेंड चैनल ते नवा आ उन्हें पहलियां वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाके तुसी जिहड़ियां फर्स्ट 3 वीडियोज़ लै सकते हैं। अज साडा फोर्थ डे आ, फोर्थ जिहड़ी अज दी साडी वीडियो डिवीजन दी आ। डिवीजन टॉपिक असी जिदा अगे सारे टॉपिक किए आ, डिवीजन दे विच भी सिर्फ डिवाइड ही नहीं होएगी, डिवाइड दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी साडे कॉन्सैप्ट हो सकते हैं, जिन्ने भी टॉपिक होणगे असी सारे दे सारे कंसीडर करांगे। डिविडेंड कोएफिशिएंट दा इन्हां दा की इन्हां दे रूल हैगे असी वह सारे फॉलो करांगे। पॉइंट हो जाए तो डिवीजन किस तरह करनी आ, थ्योरी का क्वेश्चन किस तरह का बन सकता, असं सारे के सारे अज इतने डील करांगे। बाकी पी एस टैट पेपर 2 मैथ्स जिहड़ियां वीडियोस आ पहला ही प्लेलिस्ट के उपर अपलोडेड हैं, अगर किसी को चाहिए तुसी उत्थों लै सकते हैं। तुसी अपना बेसिक उन्हां वीडियोज़ की हैल्प नाल रेडी रखो, अगर टाइम होया तो फिर वो सिर्फ MCQ ही असी करांगे, बाद पहला असी सिलेबस खत्म कर लिए। सो जिहड़ी तुसी अपनी तैयारी आ हुण तो ही शुरू कर दो। तुसी वीडियो जिहड़ियां प्लेलिस्ट दे विच है तुसी प्लेलिस्ट जाके चैक कर सकते हैं। पीएस टेट पेपर 2 मैथ्स दियां पूरिया वीडियोज़ पूरिया सिलेबस दियां विद बेसिक्स रेडी हैं। चलो करते हैं असी अज का टॉपिक डिवीजन। डिवाइड करनी सारियां नूं आंदी, ठीक है जी। अज असी डिवाइड दे थोड़े जे रूल फॉलो करते हैं। डिवाइड सिंपल जी, पहले डिवाइड कर दिती मैं, इतने मैं लिया 5, इतने मैं लिया 18, दैन डिवाइड किया 5 3 15 16 17 18, ठीक है जी। आ सम सारियां नूं आंदा, ठीक है जी। सो इहदे विच कीड़ी चीज़ की आ आपां उहदे बारे गल करांगे। असीं देखो जो नीचे बचदा आ, कई बार जीरो भी हो सकता है, इत्थे जो नीचे बच गया वह होगा रिमाइंडर, ठीक है जी। जो नीचे बच गया वह की होंदा रिमाइंडर, जिहड़ा आंसर आंदा वह की होंदा क्वेश्चन, QUOTIENT, ठीक है जी। ये की हैगा साडे कोल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ, ये रिमाइंडर आ। दैन जिहड़ा विच आ जिहदे नाल डिवाइड किया असी, ये साडे कोल हुंदा है डिविडेंड, ये की हुंदा है साडे कोल डिविडेंड, ठीक है जी। जिहदे नाल डिवाइड करदे हाँ ये साडे कोल की हुंदा है डिवीजर, ये की हुंदा है साडे कोल डिवीजर। सब तो पहले नंबर ते सानू ये नेम पता होने चाहिए आ, क्योंकि उत्ते सिंपल डिवाइड का सम हुंदा, कई बार वह कह देंदे इहदा क्वेश्चन दसो, कदी रिमाइंडर दसो, कदी डिवीजर दसो, कदी डिविडेंड दसो। सानू उत्थे कन्फ्यूजन जी आउण लग पैंदी आ, डिवीजर किहड़ा है ते डिविडेंड किहड़ा, थोड़ा इहदा कई बार नेम मिलदा जो यार कन्फ्यूजन जी होने लग पैंदी आ। सो सब तो पहले जिहड़े नेम आ चंगी तरह लर्न कर लो, जिहदे नाल डिवाइड किया डिवीजर, जिहनू डिवाइड किया वह डिविडेंड, जिहड़ा आंसर आया वह क्वेश्चन, जो नीचे बच गया वह रिमाइंडर, ठीक है जी। सो इहदा जिहड़ा फॉर्मूला है, जिहड़ा बेसिक फॉर्मूले आ डिवाइड दे, सब तो पहला मैं तुहानू वह दसदी हाँ। बेसिक फॉर्मूला हुंदा कि डिविडेंड तक असी पहुँचना होवे असी किद्दां पहुँचांगे, इहदे विच आपां की करांगे, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म लिख दिती इत्थे मैं, ठीक है जी। क्यू तो क्वेश्चन आ रही, एम तो रिमाइंडर, ठीक है जी। असी लैना डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। की कहिंदे पे इहे कि असी डिवीजर ते क्वेश्चन नूं मल्टीप्लाई करांगे, डिवीजन ते क्वेश्चन में एक हो गया 5 × 3, उहदे विच आपां किन्ना प्लस करना हैगा रिमाइंडर, दैन 5 ते 3 किन्ना हो गया 15 + 3, साडे कोल किन्ना हो गया 18, ठीक है जी। देखो इहदे विच 18 ही सीगा, तुहानूं मैं इत्थे चैक करके दिखाया। हुण असीं इहदे होर फॉर्मूले किस तरह के हो सकते हैं मैं अज तुहानूं उह दस्सदी हाँ। अगर सानूं उन्होंने क्वेश्चन पूछा होवे, कहणगे कि दसो क्वेश्चन की आ, तुसीं जिहड़ा फॉर्मूला क्वेश्चन दा इत्थों रेडी कर सकते हैं आप। देखो क्वेश्चन अपनी जगह तो इधर आ, इधर की हैगा डिविडेंड, डिविडेंड इत्थे लिख दिता सी, ते सब तो पहला असीं जिहड़ा रिमाइंडर आ उधर भेजांगे, जिहड़ा हैगा रिमाइंडर जदों जाएगा डिविडेंड दे कोल ते इन्हें कादा हो जाना जाके उत्थे माइनस दा, ठीक है जी। दैन क्वेश्चन दे नाल की लगा सी डिवीजर, मतलब इत्थे एक बार जे मैं कह लवां ते इत्थे एक डिवीजर भी इहदे नाल सी, क्वेश्चन दे नाल सी ना डिवीजर। अगले स्टेप की होना, जिहड़ा डिवीजर है इत्थे मल्टीप्लाई दा सी, जो नीचे जाना तो इन्हें कादा हो जाना है डिवाइड दा, ठीक है जी। तुसी इत्थों फार्मूला आप भी रेडी कर सकते हैं, तो जिहड़ा क्वेश्चन दा फार्मूला तुसी लर्न करना लर्न कर लियो, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन
डिवीजर। ठीक है जी, और डिवीजर का फॉर्मूला देखो, डिवीजर का फॉर्मूला वाइस वर्सा कर दो, डिवीजर इतने लै जाओ, क्वेश्चन नीचे लै जाओ। ठीक है जी, डिवीजर का फॉर्मूला तुहानू कल्ला कल्ला लर्न करन दी जरूरत नहीं हैगी, तुसी एक तो सारे दे सारे ड्राइव कर सकते हैं। डिविडेंड ते रिमाइंडर तो अपने उसे थान ते रह गए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, नीचे साड़ी कोल किन्ना आ गया, नीचे साड़ी को इत्थे बच गया क्वेश्चन। ठीक है जी, डिवीजर का फार्मूला किन्ना आ गया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन। दैन उस तो बाद असी फाइंड आउट अगर करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू है साड़ी कोल डिविडेंड, असी कल्ला कल्ला ड्राइव करके देख सकते हैं, डिविडेंड माइनस डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। ठीक है, अगर भुल जाता तुहानू उत्थे तां कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसी सिर्फ आ मास्टर फार्मूला है, सिर्फ तुसी इनू लर्न रखो। ठीक है जी, सिर्फ इनू ही तुसी लर्न कर लो। वैसे मैं तुहानू थले दस दिते आ, जिहदी इच्छा है करने कर लियो, नहीं करूंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इनू माइंड च रखो। ठीक है जी, वैल्यू पुट करके तुहानू सोलविंग मैं दस दूंगी। ठीक है जी, फॉर्मूला लर्न कर लूँगी तो उन्ना थोड़ा टाइम बचूगा सीधा ही, जो नहीं कन्फ्यूजन कभी आ भी जाए तो जिहड़ा फर्स्ट ईयर की आप छोटी क्लास से सारे ने ही पढ़ते ही आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सिर्फ तुम्हें इनू की रखना है माइंड के विच। ठीक है जी, लो सब तो पहले असं एक सिंपल डिवाइड का सम कर लें, 24 का मैं करन लगी हाँ, 24 मैं डिवाइड किया 5, 8, 2, 9। ठीक है जी, डिवाइड सारियां नूं ही करनी आती है, सो मैं इतने नहीं टाइम लगा लगी, 24 2 48 0 1 उपरों कि उतारना सी 2, 24 का टेबल अगे जाके पढ़ते हैं, 24 करते हैं 4 से, 4 96। मूह अगर नहीं ऑरली टेबल इन्ने लंबे ज्यादा है तो कोई गल नहीं, तुम रफ कम जरा कर सकते हैं। दैन 6 उपरों उतार लिया 9, 24 2 48। ठीक है जी, एक मिनट उपर कर दवा, मे बी तुम दिखा नहीं, ये साड़ी को आ गया इतने 21। ठीक है जी, सो हूँ ये है जो साड़ी को ये चीज़ आ, ये है साड़ा रिमाइंडर 242, ये की हैगा मेरा क्वेश्चन, ये की हैगा मेरा डिवीजर, ये की है मेरा डिवीजर, दैन 5 2 9, ये की है मेरा डिविडेंड, की है साड़ा डिविडेंड। ठीक है जी, जिदे नाल असी डिवाइड किया। ठीक है जी, हुण असी सम लै रहे हैं, जिहड़े तुहानूं मैं टॉपिक करवाया इहदे नाल रिलेटड असी जिहड़े सम होणगे, ते जिहड़ा पॉइंट वाला टॉपिक असी उस तो बाद करदे हां। सब तो पहला मैं कर दवां रब, बाकी फ्रेंड जे कोई चैनल ते नवा आ, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, वीडियो नूं वध तों वध लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ अपने फ्रेंड्स नाल, तां जो ज़्यादा तों ज़्यादा जाणे इहदा फायदा उठा सकण। तुहाडे लाइक ही होणगे जिथों सानूं मोटिवेशन मिलदी आ, बाकी लाइक दे सिर ते हुंदा कि असीं उन्नियां ज़्यादा वीडियोज़ तुहाडे तक लैके आवांगे। तो अज एक सम करते हैं, चलते हैं नैक्सट अपने सम के वल। साड़े को क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कहते, इफ डिवीजर इज 14, इफ डिवीजर इज 14 रिमाइंडर इज 9 एंड क्वेश्चन इज 11। थोड़ी शॉर्ट फॉर्म च मैं लिख रही हूँ, रिमाइंडर 9 है, क्वेश्चन है 11, दैन सानू उन्होंने की क्या होया फाइंड की करन नू क्या होया डिविडेंड। सो मैनू कि डिविडेंड का फॉर्मूला इतने लगाना पैना है, डिविडेंड का फॉर्मूला की है साढ़े को, डिविडेंड का फॉर्मूला है साढ़े को डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, फॉर्मूले से वैल्यू पुट करती, डिविडेंड असी जिहड़ा लभण लगे हाँ, डिवीजर है मेरे को 14, क्वेश्चन है मेरे को 11, रिमाइंडर है मेरे को 9। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दी है मैं इहदे, हुण असी करते हाँ इनू आपस के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो सानू जिहड़ा साडा आंसर हैगा मिल जाऊगा। ठीक है जी, 14 11 ने किया मेरे को हो गया 154 प्लस 9, प्लस करके मेरे को आंसर आ गया 163। ठीक है जी, ये हो गया साडा क्वेश्चन। नैक्सट चलते एक होर स्टेटमेंट लैने, उस पुछया हुआ साढ़े को फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर इफ क्वेश्चन इज 12, डिवीजर इज 25 एंड डिविडेंड इज 311। ठीक है जी, दैट इज 311। हुण असीं इहनूं करदे हां सॉल्व, तुहानूं मैं रिमाइंडर का फार्मूला लिखाया सी, तुहानूं मैं रिमाइंडर के फार्मूले के नाल भी करके दिखा दिंदी हां, डायरैक्ट भी जिद्दां क्या जिहड़ा उपर फार्मूला यूज़ किया तुहानूं उहदे नाल भी करके दिखा दिंदी हां। रिमाइंडर का असीं फार्मूला लिखवाया सी तुहानूं मैं,
डिविडेंड माइनस डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। ठीक है जी, ये फॉर्मूला से तुहानू लिखवाया सी। डिविडेंड है साढ़े को 311, डिवीजर है मेरे को 25, क्वेश्चन है साढ़े को 12। सब तो पहले असं माइनस करिए कि मल्टीप्लाई करिए, सोचो आपको अपना आंसर माइनस के मल्टीप्लाई। सब तो पहले असं माइनस नहीं करते, स्टूडेंट्स इतने ही गलती कर देंगे। पहले 311 चो 25 माइनस कर दूंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी। बॉडमास जो भी कोई भी एग्जाम हो, बॉडमास को तुम्हें फॉलो करना पैना, बाकी बॉडमास का टॉपिक हाले मैं करवावांगी। ठीक है जी, 25 में पहले असं करते हैं 11 के नाल मल्टीप्लाई, ये हो गया साढ़े को 25 टेन्स 250 हो जाता, 50 होर 300 बन गया। ठीक है जी, 311 माइनस 300 इक्वल्स टू ओनली 11। ठीक है जी, साढ़े को यह बनया। हूँ इन मैं तुम्हें डायरैक्ट जो फॉर्मूला कहा कि आप ना पता लगे एक तो इदा कर लो, या नैक्सट फॉर्मूला है साढ़े को डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, आ फॉर्मूला सी। डिविडेंड सानू कितना दिता हुआ 311 है, इतने लिख दो। डिवीजर साढ़े को 25, क्वेश्चन है साढ़े को 12, रिमाइंडर मैं इतने फाइंड आउट करना है, इदी रख लो। ठीक है जी, उस फॉर्मूले वैल्यू पुट तुम डायरैक्ट करवाई पई हाँ, इतने मैं 311 बन गया, 25 नू 11 आ कितनी बन गया 300 प्लस का कि हो गया आर, दैन 300 उधर कहदा हो गया माइनस का, इतने मेरे को आ गया आर। सो आर की वैल्यू साढ़े को रिमाइंडर है, इतने मेरे को बच गया 11। यही देख लो, चाहे तुम पिछे वाला देख लियो, दोनों का आंसर की है साढ़े को सेम। ठीक है, सो इतने मैटर नहीं करता, जो फॉर्मूले तुम्हें तो मेरा ड्यूटी से कि तुम हर एक तरह समझाया जाए। सो तुम डायरैक्ट ये जो सम जो कर सकते हैं। ठीक है जी, हूँ इस तो बाद एक अद्धा अस होर देख लें। कई बार ना साढ़े को उत्थे पूछा हों कि यू ये डिवाइड करो, क्वेश्चन दसो, कई बार दस पूछा हों रिमाइंडर दसो, बस स्टेटमेंट पढ़ लियो ध्यान। उन्होंने पूछा की है कि साढ़े क्वेश्चन पूछा कि रिमाइंडर पूछा आ, जिहड़ा भी काम करवा रही हैं अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहना नाल दी नाल, कि रिवीजन दे वेले फिर तुहानू काम आउणगे। किसी भी होर बुक नू फॉलो करके रिवीजन करते रहना, जिन्नी ज़्यादा रिवीजन करूँगे उन्ना ही तुहाडा टाइम पेपर च घट लगेगा। ठीक है जी, अगे डिवाइड का ही समय आ, लै रही हम एक स्टेटमेंट, कहिंदे 4879 इज डिवाइडेड बाय 27, द रिमाइंडर इज, साढ़े को पूछा हुआ ने रिमाइंडर। ठीक है जी, सानू सारे डिवाइड करनी आती, असं सारे ने डिवाइड कर लेनी, तो फटाफट जो आंसर आया उत्थे लगा के आ जाना है। ठीक है, कई ने काली काली च की करते ना पूछा उन्होंने रिमाइंडर आ, इतने ध्यान रखियो रिमाइंडर पूछा। कई ने क्वेश्चन का भी सानू उस आंसर मिल जाना, तो असं वो लगा देना भी क्वेश्चन का आंसर जो असं डिवाइड कर दी। अगली गल फिर कर दी मैं थोड़ा ना, 27 वनजा 27। ठीक है जी, डिवाइड की 1 2, दैन उपरों उतार लिया 7। हमेशा उपरों एक डिजिट उतारी दा, कभी दो डिजिट उतारने पै जाने, इतने 0 लगा लियो, 0 ना लगाने की गलती बड़ी की जाती है। दैन 27 फिर असी करते अगे, 27 मैं किया 8 ना, 27 8 का होंगे 216। ठीक है जी, टेबल ऑर्ली नहीं याद कोई गल नहीं, रफ कम डिवाइड जी मल्टीप्लाई करके चैक कर लेना। 1 तो उपरों आ गया 19। ठीक है जी, 1 तो उपरों असी उतारिया 9, साढ़े को आ गया 19। हम कई ने कहना जी काम खत्म हो गया सम, क्योंकि जोड़ा साढ़े क्वेश्चन अगर पूछा हो ना सानू उसे ऑप्शन 18 भी दिता होना, कहना जी 18 आ गया लाया ना फटाफट, ये तो चलो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। हूँ देखो जो 9 उपरों उतारिया आ मैं हाले तक, ये रिमाइंडर नहीं है मेरा, ये गल वक्री आ कि बाद भवें रिमाइंडर 19 ही बच जाए, फिलहाल मैं इनू रिमाइंडर नहीं कहूँगी क्योंकि 9 तो हाले मैं उपरों उतारिया, ये चीज़ में तो हाले मैं डिवाइड किया ही नहीं। 27 जीरोज आ 27, ये 0 पर गया इतने मेरे को, आ हूँ बचिया है रिमाइंडर। तुम कहना की फर्क पै गया, ना भी कर दे 19 ही आया, पहला भी 19 सी हूँ भी 19 आ, बट इतने तक 0 आई ना, फर्क पै गया ना। साढ़े क्वेश्चन पूछा हों, उन्होंने 18 आंसर भी MCQ च होना सी, एक ऑप्शन 18 होनी सी, एक 180 होनी सी, असी काली काली च 18 लगाया नहीं आ। हूँ जे उत्थे सानू 1, चलो ये भी वो भी प्रॉब्लम छड़ दिया। हूँ रिमाइंडर पूछा उन्होंने, जिहड़ी साडी ऑप्शन हैगी आ जिहड़ी MCQ आ उहदे विच 180 भी होना आ। ठीक है, सारे ने फटाफट ला देना 180, पर पूछा की है, पूछा रिमाइंडर आ, जे रिमाइंडर पूछा आ फिर असी रिमाइंडर के हिसाब के 19 टिक करांगे, जे उन्होंने क्वेश्चन पूछा आ फिर असी करांगे 180। ठीक है जी,
कई बारी वो सम दे के ना इदा दे देंगे कहने पता की पूछ लेंगे जिद शब्द से चलो रिमाइंडर वाला ठीक है जी ये कर लियो अलग नैक्सट क्वेश्चन आही स्टेटमेंट लै लो वो सानू पूछ दें कह दें 4879 इज डिवाइडेड बाय 27 दैन फाइंड की कहें वो कहें दसो डिविडेंड की है ठीक है जी चो डिविडेंड कि ठीक है जी हूँ ये तो सानू डिवाइड करन की लोड़ ही नहीं है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन या रिमाइंडर तो साढ़े को पूछा ही नहीं साढ़े को उन्होंने डिविडेंड पूछा आ एन सानू पता होना चाहिए भी आपू डिवाइड करना आ 27 के नाल सो ए है डिविडेंड तो ये है डिवीजर अगर साढ़े को डिविडेंड पूछे असं आंसर लगा के आवेंगे 4879 और अगर साढ़े को उन्होंने पूछा है डिवीजर असी लाना हैगा 27 ठीक है जी ये असं आंसर उत्थे लगा के आवेंगे इस सम से सानू डिवाइड करन की लोड़ ही नहीं आ देखो एक डिवाइड का सम से तुहानू मैं दस दिता भी चार पांच तरीके किदा आ सकता ठीक है जी अगे तो अगे मैं एक्सप्लेन करती रही हाँ नोट्स बनाने लगे तुम अलग अलग स्टेटमेंट अपन तैयार कर लेनी है ठीक है तुहानू रिविजन वेले उन्ना ही सौखा होगा एक सम तो इतने मैं चार पांच सम जिहड़े तुहाडे कर दिते है इतने ठीक है जी नैक्सट है क्वेश्चन नंबर सैकेंड एदे विच है 8479 इज डिविडेंड बाय डिवाइडेड बाय 72 ठीक है जी तुसी डिवाइड करना है तुसी मुड़ के मैनू एम कमेंट च आंसर देना भी इहदा क्वेश्चन की आ इहदा रिमाइंडर की आ इहदा डिविडेंड की आ दैन इहदा डिवीजर की आ ठीक है जी तुसी आप करोगे इहनू आंसर जरूर कमेंट कर देना ठीक है जी क्वेश्चन तुहाडे लई इहनू सॉल्व करना है ठीक है जी हुण नैक्सट चलते हैं असं अगले सम दे वल चलते हैं टॉपिक चाहे बिल्कुल सिंपल जो है कहना कि डिवाइड है कुछ उन्होंने देख के छड़ देने भी इसे करने की लोड़ नहीं पर इनू पर वीडियो चला के देखियो तो ये बहुत कुछ है काफ़ी निक्के निक्के जिहड़े कॉन्सैप्ट आ हर एक नूं मैं इत्थे क्लीयर करने की कोशिश करती पई हाँ ताकि तुहाडा किसी भी तरह का क्वेश्चन मिस ना होवे लो अगली स्टेटमेंट असं लैने इफ क्वेश्चन इज 53 डिवीजर इज 28 रिमाइंडर इज 16 दैन डिविडेंड साढ़े को उन्होंने पूछ लिया है ठीक है जी तुसी चाहो तो फार्मूला लगा लो डिविडेंड का फार्मूला है वैसे तो सब पहला मे बी हो चुका है दोबारा तो आ गया डिविडेंड का है साढ़े को डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड साढ़े को पूछा डिवीजर है 28 कोशेंट है 53 प्लस रिमाइंडर है साढ़े को 16 ठीक है जी 28 नू 53 ना मल्टीप्लाई कर लियो साढ़े को आ गया 1500 1500 1500 च 16 प्लस कर दियो साढ़े को आंसर आ गया 15 नहीं एक मिनट आ मतलब 28 नू 53 ना करके जिहड़ा रफ कम देख लैनी है 1500 टोटल 1500 इहदा बनना है 2853 नू असीं कर लो मल्टीप्लाई 8 3 20 4 3 2 6 7 8 8 5 40 5 2 10 एंड 14 इत्थे साढ़े को बन गया 0841 ठीक है जिथे बनिया साढ़े को 1484 फिर असीं उहदे विच की करने आ 16 प्लस करने आ 1484 की किया असीं 16 किए असीं प्लस ठीक है जी हुण असीं नैक्सट असीं चलते हाँ नैक्सट सम दे वल एक समय तुहाडे लई तुहानू दे रही हाँ तुसीं आप खुद सॉल्व करना है तो मैनूं आंसर जिहड़ा कमेंट च दसना आ इफ कोशेंट इज 248 डिविडेंड इज 5604 रिमाइंडर इज 148 की फाइंड आउट करना तुसी इत्थे डिवीजर तुहानू मैं फार्मूला डिवीजर का भी लिखवाया होया डिवीजर का तो जिहड़ा अपना डिविडेंड वाला लगा के तुसी डायरैक्ट करना उदा तुसी कर सकते हैं ठीक है जी नैक्सट असीं अगे चलते हाँ हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखना इसी तरह का क्वेश्चन आ इफ डिवीजर इज 9 कोशेंट इज 114 रिमाइंडर इज 5 दैन डिविडेंड फाइंड आउट करो ठीक है जी रिपीट ही हो रहा मैं नहीं सॉल्व कर रही ठीक है तुहाडे लई छड्ड रही हाँ नैक्सट सम ते मैं जा रही हाँ डायरैक्ट क्योंकि मैं जिहड़ी चीज़ करवाती इहनां दे उप टाइम ही वार वार वेस्ट करना चाहती
तो तुम आप कर लेना, प्रॉब्लम हुई तो मैं बस थोड़ी प्रॉब्लम जी देख लाँगी। नैक्सट सम आओ, पेपर का क्वेश्चन है जी, बड़े ध्यान ना देखियो। इफ कोई सम है कहते, इफ डिवीजन सम, थोड़े शॉर्ट फॉर्म च मैं लिख रही हाँ, इफ इन अ डिवीजन सम डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। स्टेटमेंट बड़े ध्यान ना देखियो, डिवीजर इज 10 टाइम द कोशेंट एंड 5 times the remainder, then remainder सानु दिता होया 46, साड़ी कोल की है गा dividend पुछया होया। थोड़ी जी स्टेटमेंट नू मैं कट कट के लिखे आया सिर्फ टाइम बचाउण दे लई, करी चंगी तरह बोल दिनी है, इन डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है जी, इफ द रिमाइंडर इज 46 देन डिविडेंड साड़ी को पूछया होया। करदे असीं इहनू सॉल्व, लिखियो की सानू क्या होया ना, ने कहिंदे कि डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट 5 टाइम्स द रिमाइंडर। की क्या हो रहा ने, सानू इत्थे दो कंडीशन दित्तियां आ, एक सानू उन्होंने क्या होया डिवीजर इज 10 टाइम्स कोशेंट, एक आ दित्ती हुई है, एक सानू उन्होंने क्या होया डिवीजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है जी, डिवीजर इज 10 टाइम्स कोशेंट एंड डिवीजर इज 5 टाइम्स रिमाइंडर। मैं तो पहले इतों डिवीजर मैं लभ सकती हाँ, ठीक है जी, मैं इतों डिवीजर लभदी हाँ क्योंकि मैं रिमाइंडर गिवन है, इतने मैं 46 ना मल्टीप्लाई करता, इतने मेरे को आ गया डिवीजर। ठीक है जी, डिवीजर लभदी भी हाँ, 46 नू 5 ना मल्टीप्लाई कर लियो कितना आ गया 230, डिवीजर लभ गया मैनू। हुण देखो मेरे को कोशेंट भी नहीं आ, देखो इतने बड़े ध्यान ना देखियो, डिवीजर मैं इधरों लभ्या आ, डिवीजर की वैल्यू मैं इतने पुट कर दिती 10 एदा ही, क्यू एदा ही। ठीक है जी, हुण आपां क्यू लभना आ, 10 देखो 10 ते क्यू दा आपस की रिलेशन है, इहनां दा आपस मल्टीप्लाई दा रिलेशन आ, क्यू उधर कादा हो गया डिवाइड दा, क्यू कादा हो गया उधर जाके डिवाइड दा, क्यू दी वैल्यू साडे कोल किन्नी आ गई 23, क्यू आ गया साडे कोल 23 ते जिहड़ा डिवीजर है वह मेरे कोल किन्ना आ गया 230। ठीक है जी, इत्थे कंप्लीट कर दिंदी आ, थोड़े जिहे छोटा करके लिख दिंदी आ, क्यू हैगा मेरे को 23, नीचे स्पेस की कमी आ। दैन डिविडेंड का फॉर्मूला की सी साडे कोल, डिविडेंड है साडे कोल डिवीजर, डिवीजर है 230 डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 23 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है साढ़े को 46। प्रॉब्लम आवे तो फॉर्मूला बोल दिता मैं ना, आप नोट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लियो, मल्टीप्लाई तुसी बेटा आप चेक कर लिया करो फ्रेंड्स, कई बार हों काली काली साड़ी इतनी गलती हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो उसकी कैलकुलेशन आप देख लिया करो। ठीक है, मल्टीप्लाई की हूँ मैं करती हाँ प्लस, दैन 6 बन गया 9 ते 4 3 2 ते 1 3 5, जिहड़ा मेरे को आंसर कितना बन गया 5336। ठीक है जी, इस तरह के सम जिहड़े तुहानू पेपर च देखण नू मिलणगे। ठीक है जी, हुण असीं चलदे हाँ अगले सम्स दे वल। साड़े कोल स्टेटमेंट्स सानू दित्तियां जांदियां आ, हुंदी डिवाइड आ, बट उस च हुंदा की, उस च हुंदा थोड़ा जिहा पॉइंट ओ पा दिंदे आ, पॉइंट दे नाल सानू आंसर भी देखो सारे उही थले सेम होने आंसर भी चारों दे चारों, बस कितने पॉइंट अगे लगा होना ते कितने पॉइंट पिछे लगा होना, पॉइंट दा कॉन्सैप्ट ना पता होण करके जिहड़ा साडा हैगा वो टॉपिक उत्थे ही खड़ जांदा आ। सो साडा जिहड़े फ्री दे नंबर हैगे वो साडे उत्थे खराब हुंदे आ। सो सब तो पहला मैं तुहानू इत्थे पॉइंट दे जिन्ने भी बेसिक हैगे वो सारे दसांगी, पॉइंट होवे उहनू किद्दां असीं एडजस्ट करना है, उहदी डिवाइड दे सम भी करवावांगी, ते टॉपिक मैं कल्ला कल्ला क्लीयर इत्थे करी चलांगी। ठीक है जी, कल तुहानू मैं मल्टीप्लाई च दस्सिया सी भी जे जदों असीं मल्टीप्लाई करदे हाँ, ठीक है जी, जदों असीं मल्टीप्लाई करदे हाँ जिन्नियां जीरोज़ हैगियां उस हिसाब नाल तुसीं पॉइंट इधर नूं शिफ्ट करना आ, ये किहड़ा रूल सीगा मल्टीप्लाई का। दैन डिवाइड की गल आज भी, असीं पॉइंट किधर नूं शिफ्ट करना आ इधर नूं, इदा क्यों करदे हाँ क्योंकि डिवाइड करदे हाँ कोई जे जिहदे वी जिहदा वी आपां डिवाइड करिए ना वह छोटी हुंदी आ, जदों आपां मल्टीप्लाई करदे जिहड़ा आंसर आंदा साडे कोल हमेशा वड्डा आंदा है, डिवाइड वधाउण दा काम करदा ते जिहड़ा सॉरी मल्टीप्लाई वधाउण दा काम करदा ते डिवाइड जिहड़ा हैगा घटाउण दा काम करदा आ। सो यही कारण आ कि मल्टीप्लाई च असीं अगे वल नूं वधदे हाँ, जिन्ना असीं अगे वधी चलांगे साडी जिहड़ी टर्म आ उन्नी वड्डी होई जाऊगी, जो आपां डिवाइड करदे हाँ हमेशा असीं पिछे नूं पॉइंट करदे हाँ, जिन्ने स्टैप असीं पॉइंट पिछे नूं आ जाणा उन्नी जिहड़ी साडी टर्म है उह छोटी होई जाणी आ। सब तो पहला पॉइंट दा कॉन्सैप्ट लैंदे हाँ, 6.5 डिवाइडेड बाय 10, देखो किन्ने इत्थे एक जीरो आ थले
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 0.65। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 0.65, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ, 15.81 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 10। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 1.581, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਆ 10 ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 100 ਵਾਲੇ। 100 ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 771 ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ? 2, 1, 2, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ 0.771। ਦੈਨ 36.2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 100। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? 0.362। ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣ। 1000 ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ, 685 ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। 3 ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, 1, 2, 3 ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ 1, 2, 3, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਿਟ ਘੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1581, ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1, 2, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, 1, 2, 3। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 0.01581, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ 2.8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 0.7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟਲੀਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਆ 16.5, 15 ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, 15, 16.5। 15 ones 15, 1 ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਿਓ, 15 ones 15। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1.1। ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਸ ਆ, ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 0 ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 5 ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਟਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ 1 0 ਲਾਈ ਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ 15 11s, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਦੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਆ, 1.1, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, 52.16 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 8, 6 ਜਾਂ 48, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਉਤਾਰਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਜਾਣਾ। 8 5s 40, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਿਆ 8 2s 16, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6.52। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 2 1 6 8, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? 2, ਥੱਲੇ 2 0 ਲਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 6 5 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ? ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਆਇਆ? 2, 2 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। 2 ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ, 6.52, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। 0.192
डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, तुसी हुण इह ना क्योंकि सानू डिवाइड सिखाउण लगे हो कि डिवाइड तां सानू सारे नूं आउंदी आ, बट मैं देखो डिवाइड वाली ध्यान दे रही, उहदे जिन्ने पॉइंट वाले कॉन्सैप्ट आ या पिछे फॉर्मूले वाले किते, मेरा टारगेट सिर्फ उहनां नूं क्लीयर करन दा आ, क्योंकि उत्थे जाके प्रॉब्लम आउंदी आउंदी आ सानू फिर। ठीक है जी, आह देखियो पॉइंट पॉइंट वाला, हुण देखो इह च शुरू च ही पॉइंट आ। पहला देखो शुरू ची पॉइंट, पहला जो मैं इतने वन वन नू यूज़ करांगी, मैं शुरू जो भी तुम्हें मैं क्या कि पॉइंट तो अगला डिजिट आप यूज़ करना ना, सानू उत्थे पॉइंट लाना पैना। लो जी उपर उतार लिया। ठीक है, हुण मेरे को एक पॉइंट लगा, हुण मैं हर वारी एक डिजिट ही थले लैके आ सकती हाँ, ऐसा मतलब कि मैं वन हुण यूज़ कर सकती हाँ, पर मेरी वन के नाल भी गल नहीं बनती क्योंकि ट्वेल्व के विच नहीं आता वन। ठीक है जी, ट्वेल्व जीरो जा जीरो मैनू करना पैना, मतलब कि इतने मैं दो डिजिट मैं कट्ठे चक्कन लगी हाँ, दो डिजिट कट्ठे चक्कांगे तो उपर सानू एक जीरो इतने लानी पैनी है। दैन ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, इतने किन्ना बच गया साढ़े को सैवन, उपरों आ गया टू, दैन ट्वेल्व सिक्स जा सैवनटी टू। ठीक है जी, ये हो गया साडा आंसर। तो दूसरी तरह तुहानू पॉइंट हटा के भी मैं दस दिनी हाँ, इस तरह आ साढ़े को ट्वेल्व। सब तो पहला पॉइंट हटाओ, पॉइंट के विच है साढ़े को तीन डिजिट, किन्ने डिजिट है पॉइंट तो बाद साढ़े को तीन डिजिट, वन टू थ्री, तीन जीरो मैं कितने लगाती हूँ थले। आ कटिंग मैं हमने की इतने डिवाइड की है सिक्सटीन से, थोड़ा कट हो जूगा, सो उन्हें तुम अपने आप देख लेना। सिक्सटीन वाए एक दो तीन, देखो किस तरह लगावे, वन टू थ्री, कि बन गया इतने जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स, कि बन गया इतने साढ़े को जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स। हुण मैं तुहानू एक दो सम ओह दसन लगी हाँ जिन्हां दे विच डिनोमीनेटर दे विच भी पॉइंट होवे, सो उस टाइम ते तुसीं की करियो पॉइंट नू हटा दिओ, पॉइंट हटा के कर लेना इदां आ साडे कोल टू पॉइंट एट डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट सैवन। देखो रूल देखो इत्थे मेरा सैवन थल्यों, मैं पॉइंट हटाना चाहुंदी आ, थल्यों तो हमेशा हटा ही लियो, ठीक है, सौखे रहोगे उन्ना। एक डिजिट आ एक जीरो आप इतने लाता, तुम चाहो तो यू इदा ही डिवाइड कर लो पॉइंट के नाल, पर जे असी पॉइंट हटाया तो असं इतों भी हटा दें, इतने भी तो पॉइंट तो बाद एक डिजिट से थले ला दो, इतने एक जीरो, जीरो ना जीरो कट हो गया, कि आ गया सैवन फोर जा ट्वेंटी एट। ठीक है जी, ये की करते भी मैं पॉइंट हटा के किया सर, लो अग अगला करते हैं वन पॉइंट फोर फोर डिवाइड बाय वन पॉइंट टू, ये साढ़े को बन गया, हटाने असी पॉइंट दोनों पासे मैं हटा देना। ठीक है जी, इतने देखो पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है, सिर्फ एक, तो एक जीरो मैं उपर लाऊंगी, इतने पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है गया दो, तो दो जीरो मैं थले लाऊंगी, उल्टे पुलटे पासे लाने, जो उपर थले लाओ थले तो उपर लाओ, जीरो ना जीरो हो गया साडा कट, ट्वेल्व ट्वेल्व का कि हो गया वन फोर्टी फोर, इतने साढ़े को कि आ गया ट्वेल्व बाय टेन, एक थले जीरो एक छड के पॉइंट ला दो, कि आ गया साढ़े को इतने वन पॉइंट टू। ठीक है जी, साढ़े को वन पॉइंट टू आ गया। चलते हैं असं अगला सम, एक अद्धा इस तरह का होर ले लें। नैक्सट है मेरे को जीरो पॉइंट नाइन नाइन थ्री डिवाइड बाय जीरो थ्री थ्री वन। ठीक है जी, ये है नाइन, सब तो पहले मैं हटाने लगी हाँ पॉइंट, पॉइंट असं गिण के लाने, देख नीचे देखो पहला एक दो तीन, तीन जीरो उपर लानी मैं, उपर देखो एक दो तीन थले लानी मैं, ऑपोजिट लाइया इतने सारिया साड़िया कट हो गई, थ्री थ्री वन साफ दिख रहा मैं, थ्री थ्री वन, अगर मैं थ्री ना मल्टीप्लाई करा तो मेरे को चीज सीधी बन जाऊगी। ठीक है जी, सो इतने जो मेरा आंसर है कि आ गया, इतने मेरे को सिंपली मैं कि मिल गया है थ्री मिल गया है। ठीक है, काफ़ी हद तक साढ़े जोड़े सम हो चुके हैं, एक सम चलो होर कर लें, क्योंकि स्टेटमेंट जिन्या मर्जी ले चलो खत्म ही नहीं होनी, डिवाइड असी करना टू पॉइंट टू टू ना। ठीक है जी, पहले पॉइंट हटा के मैं लिख दिता टू टू टू। ठीक है जी, हुण देखो पॉइंट कित्थे सीगा, इत्थे पॉइंट तो बाद किन्ने अक्षर आ, एक दो तीन थले आप लानी आ तीन जीरो, इत्थे पॉइंट तो बाद किन्ने अक्षर है दो, दो जीरो असी उपर लानी आ, इहनू आपां कीता फोर दे नाल, इत्थे एक दो किन्ना इत्थे बन गया साडे कोल फोर बाय टेन, फोर बाय टेन बनिया, हुण इहनू लगाओ एक जीरो एक छड के पॉइंट लगाता, कि आ गया जीरो पॉइंट फोर, कि आ गया इत्थे साडे कोल जीरो पॉइंट फोर। ठीक है जी, आ सीगे साडे कोल डिवाइड दे रूल, तो सम बहुत ज़्यादा जिन्नी मर्जी करी चलो इतने साढ़े को ओवर नहीं होने, एक दो सम चलो एक थोड़े जे होर हूँ मैं वह कर दिनी हाँ जिन्हें विच नीचे पॉइंट ना हो किते भी ना, जो सानू आ पॉइंट लगाना आता, तो उस तो बाद साढ़े हले होर सम भी है करते हैं असं उन्हें वल। ठीक है जी, बाकी थ्री बाय फोर सानू इस तरह आ जाए, कहते कि थ्री नू डिवाइड करो कि फोर के नाल, सानू ने कहा हुआ इतने डिवाइड
थ्री बाय फोर। कई कन्फ्यूजन हो जानी स्टेटमेंट देखियो, कई कन्फ्यूजन हो जानी भी थ्री बार रखिए कि फोर बार रखिए। वो कहते कि पे आ थ्री डिवाइड करो कि फोर दे, थ्री डिवाइड करो कि फोर दे, ऐदा करना पॉइंट तो है ही नहीं ये ना ये जाता पाया। सो जो असी इतने अपने को पॉइंट लाना है ना, इतने अपने को पॉइंट ला के मेरे को पावर है, मैं जिन्या मर्जी जीरो ला सकती हूँ। हूँ करो पहले थर्टी यूज करना पैना, जीरो तो पॉइंट पॉइंट में आ गया, सो इतने पॉइंट ला लो। फोर सैवन ज़ा ट्वेंटी एट, इतने कि आ गया फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। ठीक है जी, ये साढ़े को कि बन गया जीरो पॉइंट सैवन फाइव। ठीक है, हूँ असी एक होर दिनी है तुम्हें इस तरह का, ये है साढ़े को थ्री डिवाइडेड बाय थर्टी वन कर लो। चलो थर्टी वन बाय फाइव डिवाइड असी करना थर्टी वन बाय फिफ्टी। थर्टी वन नू कहिंदे काहदे नाल डिवाइड करो, फिफ्टी नाल। फिफ्टी नू असी कर रहे हैं थर्टी वन दे नाल डिवाइड। फिफ्टी टेबल दे थर्टी वन आउंदा ही नहीं, सो सानू इत्थे पॉइंट लगाना पैना। शुरू च ही साडा इत्थे पॉइंट लग चुका है फाइव सिक्स या थर्टी, मतलब थ्री हंड्रड। उपरों कि आ गया वन जीरो, रिमाइंडर बचिया एक जीरो मैं उपर उतारनी हाँ। दैन फिफ्टी नू टू ना किया कि हो गया फिफ्टी टू जा हंड्रड, साढ़े को आंसर कि आ गया जीरो पॉइंट सिक्स टू। ठीक है जी, कि बन गया मेरे को जीरो पॉइंट सिक्स टू। हूँ इस तो बाद असी साढ़े काफ़ी जोड़े क्वेश्चन है ओवर हो ही चुके आ, तो कई बार सूँ इस तरह दे देंगे दे केंद्र टू बाय फाइव न कन्वर्ट करो डेसीमल फॉर्म च। टू बाय फाइव कच लिखना असी डेसीमल फॉर्म च, उन्होंने मेरे की गल की है टू बाय फाइव न लिखो इतने तुम डेसीमल फॉर्म के। सो इतने की करना असी फाइव बार रखा टू नीच रखा, इतने लगा लो शुरू च जीरो लानी पैनी, सानू पॉइंट लाना पैना फाइव फोर ज ट्वेंटी। सो ये डेसीमल फॉर्म कि हैगी है जीरो पॉइंट फोर। ठीक है जी, डेसीमल फॉर्म इतने साड़ी कोल कितनी बनती है जीरो पॉइंट फोर। ठीक है, हुण असी थोड़े जे देख लैने मिक्सड वाले सम जिहदे विच डिवाइड होवे, ते थोड़े जे होर तरह के हुण सम एक अद्धा टॉपिक रह गया आ, सो असी उन्हां नूं भी कवर कर दी आ, ते उस तो बाद असी जिहड़ी वीडियो ओवर कर दिंदे आ। ठीक है जी, देखो नैक्सट है सानूं इस तरह का सम आ सकता है कि कहिंदे आ, कहिंदे कि फोर बाय फोर बाय थ्री बाय एट बाय नाइन। सानू की कहते हैं डिवाइड करो फोर बाय थ्री कहदे नाल डिवाइड करना, एट बाय नाइन की करना फोर बाय थ्री डिवाइड की जगह से आप इस तरह ही हाँ फोर बाय थ्री आप डिवाइड करना एट बाय नाइन के नाल। ठीक है, फोर बाय थ्री आप डिवाइड कहदे नाल करना एट बाय नाइन के नाल, या तो पहले इनू पॉइंट अच कढ़ लो फिर इनू पॉइंट अच कढ़ लो फिर जेहड़े दा आंसर आए उन्होंने बाहर रखोगे इनू बेच रखोगे तो बहुत लंबा पै जाना। फोर पॉइंट थ्री डिवाइड बाय एट बाय नाइन क्या होया, डिवाइड नू हटाने का रूल केड़ा मेरा, डिवाइड नू हटा के आप कर देना उत्थे मल्टीप्लाई। एट बाय नाइन का कि आ गया साढ़े को नाइन बाय एट, दैन थ्री थ्री ज़ा नाइन फोर टू ज़ा एट, मेरे को आंसर कि आ गया थ्री अपॉन टू। थ्री अपॉन टू पॉइंट है जो मे तुम आप बाकी ऑप्शन से डिपेंड है कि पूछे उन्होंने, जो तुम्हें डिवाइड करना है टू बाहर रख लियो थ्री बिच रख लियो, टू वन ज़ा टू वन दैन पॉइंट लगा लियो, टू फाइव ज़ा टेन। ठीक है जी, इतने कि आंसर कि बन गया वन पॉइंट फाइव। ठीक है जी, चलते हैं असी नैक्सट अपने नैक्सट सम दे वल। लैरिक होर स्टेटमेंट थ्री का कि है टू अपॉन फाइव बाय फोर बाय फाइव, लगाओ इतने इन पहले सॉल्व कर लो। फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन सिक्सटीन सैवनटीन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन सिक्सटीन सैवनटीन डिवाइड की जगह पर साड़े को कि आ गया फोर बाय फाइव, ये आ गया साड़े को सैवनटीन बाय फाइव। ठीक है जी, सैवनटीन बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय कि हो गया फाइव बाय फोर। ठीक है, सैवनटीन बाय फाइव मल्टीप्लाई कि हो गया साड़े को फाइव बाय फोर, फाइव ना फाइव कट इतने कि हो गया साड़े को सैवनटीन बाय फोर। जे इतने आंसर दिता तो इतने छड़ दौ, मिक्स फ्रैक्शन पूछा तो उस हिसाब से छड़ दौ, पॉइंट आदि ऑप्शन आ रही तो उस हिसाब से छड़ दौ, जिसे तुम्हें आंसर है उत्थे असी छड़ देना है। नैक्सट देखियो एक होर सम इस तरह का, फोर्टी फोर बाय सिक्स डिवाइडेड बाय टेन। ठीक है, हुण इत्थे नीचे कुछ नहीं है, सो नीचे कुछ नहीं तो अपने को वन लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्टी फोर बाय सिक्स वन बाय टेन की जगह पर की आ गया टेन, टेन बाय वन की जगह पर उल्टा करके की आ गया वन। जो भी डिवाइड की जगह से मल्टीप्लाई असी करना आ, तो जी नैक्सट टर्म हैगी इनवर्स उल्टा वह रेसीप्रोकल सानू करना पैना आ। फोर्टी फोर इतने साड़ी कितना बच गया, फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी, इन्ना आंसर बचता है।
कटिंग होर थोड़ी फोर टेबल से कर लेने, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, टू बच गया, फोर फाइव जा ट्वेंटी। आप इस तरह के फॉर्म से ऐदा कुछ ऐदा आंसर दे दौ, जो पॉइंट है तो इलेवन फिफ्टी इलेवन के न मल्टीप्लाई डिवाइड हूँ आप करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह के फॉर्म से सानू आंसर पूछा आप उस फॉर्म के देना है, वो सानू उतो एम सी क्यू ऑप्शन देख के आइडिया हो जूगा कि साढ़े कोलो उन्होंने की पूछा होया है। एक दो सम तुसी नोट करो, तुसी खुद करूँगे। सिक्स बाय थर्टीन डिवाइडेड बाय फोर्टीन अपॉन थर्टी नाइन, एक हो लो फोर आंसर जरूर नंबर पा के दस देना। इतने डिवाइड का समय अगर लिख देना कि डिवाइड का समय, क्योंकि नंबर मैं कोई इतने फॉलो नहीं किए हैं ना, पता नहीं हूँ मैंने किनवा नंबर चलता पे, सो तुसी अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, डिवाइड अगर लिख के दस देना आंसर। फोर वन बाय थ्री, थ्री टू बाय थ्री, इस तरह का करना है। दैन एक है साढ़े को फाइव वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय सैवन बाय थ्री। ठीक है जी, ये सब हूँ इतने मैं नहीं कर रही, तुम खुद जो सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक अद्धा होर देख लें सम। फिर ज़्यादातर जोड़ा सा अज का काम है वो ज़्यादातर साढ़ा कंप्लीट ही हैगा आ, होर ज़्यादा करन दी फिर सानू जरूरत नहीं है। नैक्सट स्टेटमेंट मैं लै रही हूँ, पेपर का क्वेश्चन है ये। वन बाय एट डिवाइडेड बाय टू बाय सैवन डिवाइडेड बाय फाइव बाय सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री बाय एट डिवाइडेड बाय सैवन बाय फाइव। ठीक है जी, सो एला सम जिहड़ा असीं शुरू करते हैं, इहदे लई असीं की करना हैगा, देखो डिवाइड का रूल की कहिंदा आ, जिहड़ा डिवाइड असीं हटाउणी आ तां उहदी जगह ते की करना पैना, सानूं टर्म नूं उलटाना पैना। देखो इत्थे जे मैं डिवाइड की जगह ते इहदी जगह ते मैं मल्टीप्लाई कीता तां मैं किहनूं उलटाना, टू बाय सैवन उल्ट के बन गया सैवन बाय टू। आ फिर डिवाइड आ ए जगह से मल्टीप्लाई किए तो फाइव बाय सिक्स का मैं सिक्स बाय फाइव करना पैना, ऐसी जगह से मल्टीप्लाई किए तो मैं एट बाय थ्री करना पैना, ऐसी जगह से मल्टीप्लाई किए तो मैं फाइव बाय सैवन करना पैना है। कटिंग जी होंगी आ कटिंग करते हैं, एट नाल एट कट दौ, फाइव नाल फाइव कट दौ, सैवन के नाल सैवन कट दौ, टू थ्री जा सिक्स तो थ्री ना थ्री कट दौ। लगता नहीं इतने मैं कुछ भी बचिया, कुछ भी नहीं बचता पे, आंसर कि आ गया वन। डिवाइड च कुछ ना बचे तो आंसर वन हों, माइनस कुछ ना बचे तो आंसर जीरो होंगे, ये भी कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाती है। डिवाइड च कुछ ना बचे सारा कुछ कट वट हो गया तो वन, माइनस कुछ ना बचे तो साढ़े को आंसर कि हो गया जी, माइनस हो गया साढ़ा जीरो। नैक्सट स्टेटमेंट लें, ट्वेंटी सैवन, ट्वेंटी सैवन डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव, ट्वेंटी सैवन डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव डिवाइड फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स। करो इन्हों सॉल्विंग, ट्वेंटी सैवन थर्टी फाइव डिवाइड का किया मल्टीप्लाई फोर्टी नाइन फोर्टी फाइव, इतने किया मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव। ठीक है जी, कर दी कटिंग असी ये हूँ, असी करते हैं कटिंग ये। थ्री नाइन जा ट्वेंटी सैवन, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। ठीक है, सैवन सैवन फाइव जा थर्टी फाइव, सैवन सैवन जा फोर्टी नाइन। ठीक है, कटिंग बड़े आराम ना करनी है, जो सू लगता कटिंग करी चलो जो बच गया फिर साढ़ा आंसर होगा। हूँ इस तो बाद मैं की दिख रहा है, आ मैं दिख रहा थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। उस तो बाद होर देखना दे विच होर दिख नहीं रही मैंने, चलो एक बार मैं जो बचता लिख लें, थ्री आ सैवन आ थर्टी सिक्स आ, थ्री सैवन थर्टी सिक्स, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ये होर कोई कटिंग नहीं बनती पी, तो जोड़ा तो असं ये हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लो, उस हिसाब से आंसर मिल जूगा। चैक कर लियो, मैं लगता कि शायद गड़बड़ा कि होगी, फिर आंसर बड़ा व्डा बनता पाया, वैसे बन सकता कोई इदा की गल नहीं है होंगी, तो देख लें जो थानू कुछ गड़बड़ लगी आ, असी तो जो स्टेटमेंट से मेरे को लै होगी आ प्रॉब्लम, तो उस बड़ा व्डा जहा लगता पा सूँ, देख लें इन्हें एक बार। इतों कटिंग की आप ये हूँ, थ्री सैवन थर्टी सिक्स बचे आ, नीचे बचे आ फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव ने ट्वेंटी फाइव ने किया सिक्स ट्वेंटी फाइव, इतने बन गया सैवन थ्री जा ट्वेंटी वन, थर्टी सिक्स न करा ट्वेंटी वन, वन सिक्स जा वन, थ्री जा थ्री, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स से वन, सैवन सिक्स फाइव सैवन सैवन फिफ्टी सिक्स। ठीक है जी, जे तुहानू कितने कैलकुलेशन च लगती है प्रॉब्लम है तुसी इहनू आप सैट कर लेना। ठीक है जी, वो इन्नी माड़ी मोटी काली च हो जाती है, सो जे इदां लगती होवे तां कितें तुसी उहनू आप सही कर लेना। ठीक है, चलते हैं हुण असी
एक दो होर सम ही रह गए साढ़े, बड़ी ही जल्दी जी सा है ओवर हो जानी वीडियो। ठीक है, चलते असं अपनी अगली कंडीशन दे वल। असं स्टेटमेंट लें इत 360 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी, आ टर्म आ मेरे को लॉ दे विच मैं कर दी स्टार्ट। सब तो पहला मैं 360 नू कादे नाल डिवाइड करना आ, इदा लिखो उन्हों 360 डिवाइडेड बाय 45। तुसीं दो तरीके ने कर सकते हैं, पहला इनू इन डिवाइड कर लो, इनू इन डिवाइड कर लो, फिर जेडे दो आंसर आए आपस से डिवाइड कर लो। मैं तुहानू उदा भी करके दिखाऊंगी, उस तो बिना भी करके दिखाने लगी हाँ। सब तो पहला मैं स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है जी, सब तो पहला असं इतने मल्टीप्लाई हटाई, डिवाइड का की कर लो, मल्टीप्लाई इतने हो गया 16, थले कि हो गया 144 कर दिया। हुण असीं इहदी कटिंग करते हैं, बड़े आराम नाल कटिंग तुसीं करनी आ, उहदे नाल असीं जिहड़ा साडा आंसर पहुँचांगे आंसर तक। मैनूं 12 दे टेबल ते सीधी कटिंग दिखदी पई आ, 12 इज़ आ 144, 12 3 इज़ आ 36 0, आ 15 दे टेबल ते 15 2 इज़ आ 30, 15 3 इज़ आ 45। ठीक है जी, हुण इत्थे करो 4 3 इज़ आ 12, 4 4 इज़ आ 16। ठीक है, उपर साडे कोल इत्थे बच गया आ 8, ते नीचे मेरे को इत्थे बच गया आ 9। ठीक है जी, ये जिहड़ा मेरे को इत्थे बच गया 8 ते 9। ठीक है जी, आ जिहड़ा साडा इत्थे सम जिहड़ा बन गया आ। हुण उस तो बाद जिहड़ा है इस तरह का एक होर स्टेटमेंट लैनी हाँ, मैं उन्होंने मैं दूसरे तरीके ना कर दूंगी, हुण मैं इस तरह नहीं करूँगी, मिलदी जुलदी थोड़ी जी लै लैनी हाँ। आई का लै लो, एक तुसी लै लो 224 डिवाइड बाय 28। ये बिना मैं जिदा पिछे खोल के किया से ना उदा नहीं कर रही, पहले 45 को 360 तुसी डिवाइड कर लेना, आंसर बच गया साढ़े को 8। 28 नू 224 ने डिवाइड कर लेना, साढ़े को आंसर कि बच गया 8। 8 नू 8 ने डिवाइड किया, साढ़े को आंसर कि आ गया 1। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट पिछली स्टेटमेंट का फर्क से, तो दोनों के जो आंसर उन्हों का भी फर्क हैगा आ। सो तुसी इत्थे हुण इह ना कह दिओ वी आ तां बड़ी जल्दी होया, क्योंकि जे डिवाइड करन नूं एटलीस्ट टाइम लगेगा, मैं तां मूंह जवानी डिवाइड कर दित्ती आ, तुसी डिवाइड इहदा करांगे तां सानूं उत्थे टाइम लग जाणा। 45 दा टेबल सानूं मूंह जवानी तां आंदा नहीं होणा, 45 नूं सानूं सोचना ही पैणा, 85 इज़ आ 40, 84 इज़ आ 32, 36। ठीक है, सो इहने टाइम उस हिसाब नाल इहने लै जाणा, जिहदा तुहानूं बाकी ठीक लगदा आ तुसी उस तरह उहनूं फॉलो कर सकदे आ। ठीक है जी, इहदे विच मैं इत्थे लिख देवां, सारे ने अपने अपने नोट्स तैयार कर लेने। 8x8 किन्ना हो गया साडे कोल 1। उहदे नाल जिहड़ा साडे आलमोस्ट जिहड़े क्वेश्चन हैगे साडे कंप्लीट ही हैगे आ, जिन्ना भी साडा इस टॉपिक दा काम हो सकदा सी पूरे दा पूरा जिहड़ा मैं टॉपिक कवर कर दिता गया। देखो लगन नूं तां लगदा सी वी सिर्फ डिवाइड ही है इहदे विच, पर जे करवाउण लगी तां मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े सम करवाया, तां वी देखो किन्ने ज़्यादा साडा कोल मटीरियल इहदे विचों ही बणदा आ। ठीक है जी, सो इहदे नाल ही जिहड़ी असीं अज दी वीडियो नूं ओवर करदे हां। बाकी दोबारा तो कह दें, अगर वीडियो चंगी लगी होवे तां उहनूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ, इहदे नाल ही सानूं मोटिवेशन मिलदी है तुहाडे लाइक्स दे नाल ही। अगर चैनल ते नवें आ तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ। बाकी जे तुहानूं PS टेट 2 मैथ्स दीआं वीडियोज़ चाहीदियां, उह प्लेलिस्ट दे विच अपलोडड है, तुसीं उत्थों जा के उह लै सकदे आ। पूरे बेसिक दे नाल बहुत वधिया जिहड़े पूरे सिलेबस नाल वीडियो जिहड़ी आ उह तुहाडे लई रेडी कीतीआं गईआं आ, सो तुसीं उत्थों लै सकदे आ। अज लई इन्ना ही, एंड थैंक यू।